आप ऐसी जगह तो आपके साथ कारवा था, काफिला था, बड़े बड़े टॉप के वकीलों का, फरोग नसीम उसको लीड कर रहे थे, खालिद मंसूर साहब उसमें शामिल थे, बहुत से वकील थे हमारे, बहुत से दोस्त भी थे, और एक क्वींस काउंसिल आया था लंदन से जो उसको लीड कर रहा था, और हिंदुस्तान से चंद सफारी सूट पे मलबूस लोग आए थे, कमान के लोग थे वो, हम दब गए थे और हम मुस्तकिल दबे में। Hi guys, welcome to my YouTube channel News Views Infotainment. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू. लेकिन सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि जिस ऑर्डिनेंस का हवाला देकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, क्या उनका ये इल्जाम हुकूमत पर दुरुस्त है अपने एतबार से? जनरल साहब, बिलावल जिस नजरिए से देख रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? आपने तो ICJ की कंडीशन जो है, जो उन्होंने आपको ऑर्डर्स दिए हैं, आप वो पूरे कर रहे हैं, और उसके लिए आपको एक हल निकालना पड़ा कानूनी, ताकि वो जो वहां से आपने एक फैसला तस्लीम कर लिया कि हाँ हम इस पर अमल करेंगे, तो अमल उस पर करवाने के लिए आपको ये रिव्यू का रास्ता निकालने के लिए ये काम करना पड़ा, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही? खराबी वहां पर हुई जहां हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए तैयार हो गए, हमने तस्लीम कर लिया कि हम केस वहां पे लेके आके लड़ेंगे, जबकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी का किस्सा है, अगर भारत चाहे वो घसीट ले आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और आपके ऊपर इस तरह की पाबंदियां, इस तरह के अहकाम सादर हो जाए, क्या ये हमारे मुफाद में है? हमें तो ये कोर्ट में जाने से इनकार करना चाहिए, हमें कहना चाहिए था कि जनाब हम ये नहीं मानते, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी के मामला के ऊपर आप फैसला कर सकते हैं, तो आप ना चाहते। लेकिन जब आप भागे भागे गए वहां पे, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपके केस को खत्म ही नहीं कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन के बाकी तमाम अदारों की तरह जैसे वो चलते हैं, इसी तरह ये भी चलता है, इंसाफ वगैरह तो वहां नहीं मिलता, वहां सियासत है, वहां पे इन्फ्लुएंस काम करता है, जो मुल्क उनका खर्चा उठाते हैं इस कोर्ट का, जो यूनाइटेड नेशन को पैसे देते हैं, उनका इख्तियार है वहां पे, उन्हीं का असर, उनके कहने के मुताबिक फैसले होते हैं वहां पे। ये तो आप बच गए हैं, वरना तो आपको ये फैसला पकड़ाना था कि जनाब इनका बंदा छोड़े। तो ये वो तो हमने इंतहाई गलत एक फैसला करके अपनी गर्दन खुद पेश कर दी, अब वो फंसी हुई है, उसके लिए कभी आपको कोई आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है ताकि आप सुरखरू हो सके। ये एक और गलत काम है, वो हर दफा जब मिलके जाते हैं तो वो आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि इन्होंने ये नहीं करके दिया, इन्होंने ये, आप क्यों अपना बार बार मुंह पेश कर रहे हैं कि इसके ऊपर वो कीचड़ मले, उनके फॉरेन ऑफिस से फिर एक बयान आ जाता है, वो आपके ऊपर गंद उछालते हैं। तो ये इतना मैं समझता हूं, कुछ समझ नहीं लगती कि हमें प्रॉब्लम है क्या, हम क्यों इतनी कमजोरी का मुजाहरा करते हैं, कभी इंसानियत के नाम पे, ताकियत के नाम पे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उनकी हुकूमत करती या नवाज शरीफ करता तो गद्दारी तक के इल्जाम अब लग चुके होते अब तक, एक आध दिन के अंदर अंदर ना बात हुई, चोरी छुपे ये ऑर्डिनेंस लाया गया, और बिल्कुल जनरल साहब ने बिल्कुल से सस्पेंड दिया है। मैं एक बात और वाजी कर दूँ कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार है, अब वो किस तरह का ऑर्डिनेंस होगा ये आपकी अपनी ज़मीर पर, अपनी मर्जी पर, आपकी खारजा दाखिला पॉलिसी की कमजोरी पर मुश्तम है। आप ICJ गए तो आपके साथ एक कारवां था, काफिला था, बड़े बड़े टॉप के वकीलों का, फरोग नसीम उसको लीड कर रहे थे, खालिद मंसूर साहब उसमें शामिल थे, बहुत से वकील थे हमारे, बहुत से दोस्त भी थे, और एक क्वींस काउंसिल आया था लंदन से जो उसको लीड कर रहा था, और हिंदुस्तान से चंद सफारी सूट पे मलबूस लोग आए थे, कमान के लोग थे वो। हमने जो दलील दी वो ये थी कि दहशतगर्द को कोई राइट हासिल नहीं है एक्सेस का, जो दहशतगर्द है, और ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि दहशतगर्द के भी इंसानी हकूक होते हैं। लिहाजा आप अगर ये दहशतगर्द भी है, गैर मुल्क की दहशतगर्द है, तब भी इसको आप मुलाकात दें, एक्सेस दें, काउंसलर एक्सेस दें, इससे मिलने दें, मशवरा करने दें, इसको रिव्यू पे जाने दें, ठीक है। तो लेकिन हम दब गए थे और हम मुस्तकिल दबे में। इब्राहिम क्विकली एडियो कमेंट प्लीज क्विकली। देखें, ये बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम उस नारे का तसलसल है जो नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ लगाया गया कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो नारे बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में भी जाके लगवाए,
तहरीक इंसाफ भी लगवाती रही मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, ना तो मियाँ नवाज शरीफ मोदी के यार थे, ना इमरान खान साहब मोदी के यार हैं और ना ही बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मोदी के यार हैं। अब बात यह है कि जब ये ICJ में मैटर गया, लेकिन जाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट से इसको सजा हुई, तो उसके ऊपर इंडिया वालों ने वहां पे जाके सवालात उठाए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो अब जो हमें उस अदालत से रिकमेंडेशन मिली हैं कि ये कंडीशंस हैं आपने पूरी करनी है, तो इन कंडीशंस को पूरी करने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो काम हुकूमत नहीं कर सकती वो अपोजिशन ये काम कर ले कि पार्लियामेंट में इस मामले को उठा ले। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।